हाय, हाय। आज मैं आपको तीन नोट टेकिंग ऐप के बारे में बताऊंगी। कौन सा थर्ड नंबर पे, कौन सा सेकंड नंबर पे, कौन सा फर्स्ट नंबर पे, मेरे हिसाब से ये मैं बताऊंगी, ताकि आप भी अगर नोट टेकिंग कर रहे हैं तो आपको फायदा हो। और हमने इनकी टेस्टिंग 1 वीक से ज़्यादा की, एक एक ऐप की, और उसके बाद ही हम आपको बता रहे हैं। तो ये ऐसा सुपरफिशियल रिव्यू नहीं, हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है सबको, तो थर्ड नंबर पे है वन नोट जो कि काफ़ी क्लासिकल लेगेसी ऐप है, पहले से माइक्रोसॉफ्ट का है। ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म यानी एंड्रॉयड, आईफोन, आईपैड, उसके अलावा मैकबुक के लिए और हमारा विंडोज़ के लिए, सबके लिए अवेलेबल। और ये फ्री है, सब पर क्लास प्लेटफॉर्म में सब पे सिंक हो जाएगा आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से, और ये सारे पे नोट्स अवेलेबल रहेगा। हाँ, तो इसकी खास बात यह है कि आप एक बार इसका पेज जो है उसमें गए तो इसके पेज की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसमें राइटिंग बहुत अच्छी बनती है, पता नहीं क्यों बाकी सॉफ्टवेयर से इसमें राइटिंग काफ़ी अच्छी बनती है। अगर आप लिखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बटर पे लिख रहे हैं, यस। एकदम बढ़िया सा स्मूथ राइटिंग बनेगा। राइटिंग वाले टूल में भी कई ऑप्शन है, कई तरह से कलर है, जितना पतला चाहे उतना पतला पेन चला सकते हैं। और यहाँ पे भी कई ऑप्शंस हैं, हाईलाइट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के कलर से। इसमें भी कलर है, मोटाई और पतलाई भी दी हुई है। और ये इरेजर है, इरेज करना हो तो इरेज कर सकते हैं, इरेज भी हो जाए। और ये जो है, ये कुछ पार्ट सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं, अब इसको उठाकर कहीं रख सकते कहीं हैं, रख सकते हैं अगर चाहें तो। जैसे मैंने ये उठा उठाकर के यहाँ यहाँ, से रख दिया तो इस तो तरीके से हो जाता ये है। काम करता है। सारा चीज़ जो है ये सामने ही दिया हुआ है, अगर क्लास में बैठ के आप नोट टेकिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, तुरंत तुरंत आप देख के लिख सकते हैं और जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं। और जो राइटिंग है वो भी बहुत अच्छी बन रही है। और मुझे सबसे अच्छा इसमें लगता है कि मेन्यूज़ में जो सेपरेशन है, मेन्यूज़ के थ्रू, जैसे व्यू मेन्यू अलग है, इसमें से आप अगर चाहें पेपर सेलेक्ट करना चाहें तो आप, जैसे इस समय लाइन वाला रूल्ड पेपर है, इसको आप चेंज करना चाहें ग्रिड लाइन में तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं, या ब्लैंक पेज चाहें वो भी कर सकते हैं, पेज का कलर चाहें तुरंत चेंज करना तो वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको हम ग्रीन करना चाहें तो ग्रीन हमने कर दिया, तो ये देख सकते हैं। तो ये है फास्ट, और साथ में अगर आपको कुछ इसमें इंसर्ट करना हो तो उसके लिए भी हम देखते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट। पहले आपको राइटिंग स्टॉप करनी पड़ेगी और फिर आप इंसर्ट में जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये कर्सर यहाँ पे आ गया है, तब इंसर्ट के हाँ, ऑप्शन से डार्क हो गया। डार्क हो गया। अब यहाँ लिंक अगर आपको इंसर्ट करना है तो यहाँ हाँ चले जाए, कुछ अटैच करना हो, हाईलाइट या डिफिनीशन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब करना हो ये कर सकते हो। और इसको यहाँ पे आप हाँ चेकबॉक्स ऐड करना हो, टू डू लिस्ट स्टाइल वाला, वो भी कर सकते हैं। चीज़ें अटैचमेंट ऐड अटैच करनी हो करना तो हो, वो भी कर जैसे सकते हैं। स्क्रीनशॉट अगर हाँ, कोई अटैच करना हो तो तो ये। ये स्क्रीनशॉट अटैच हो गया यहाँ पर, ये जो कि आप खोलना चाहेंगे तो इस तरह खुल जाएगा। तो ये एक तरीके से लिंक ऐड कर दे रहा है वहाँ पे इस डॉक्यूमेंट का, और और साथ फिर में हाँ अगर वॉइस इसमें नोट ऐड करना चाहें तो यहाँ पर वॉइस नोट ऐड हो गया है। जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ, हेलो हेलो, और यहाँ पे वो आ गया है, हाँ, इसको अगर आप प्ले करें हेलो हेलो, तो तो वॉइस नोट भी ऐड हो गया, यानी कि लेक्चर लिखते समय आप वहाँ पे रिकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते रिकॉर्डिंग हैं, भी कर ये सकते बेनिफिट हैं। है। और यहाँ डायरेक्ट आप अगर कोई फोटो खींचना चाहें, ऐसे तुरंत कैमरा लिए और ऐसे फोटो खींच के इसमें डाल दिए, तो यहाँ कंफर्म करेंगे और डन, तो ये डायरेक्ट फोटो भी यहाँ पे आ जाएगी। हाँ तो सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से दी हुई है, अगर आप चाहें तो इसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये फ्री है और बहुत फेमस भी है लोगों में। और काफ़ी फास्ट है, और मतलब एक तरीके से देखें तो इसने पेन का इंटीग्रेशन जब से हो गया है तब से तो और भी चॉइस है कि क्लासरूम में नोट लेने हो, आपको बहुत तामझाम नहीं चाहिए, आपको बहुत ही इफ़िशियंट टूल्स चाहिए, तुरंत तुरंत सब चीज़ करनी हो, वॉइस चाहिए आपको तुरंत फ़ोटो खींच के, अब जो सामने आपके टीचर पढ़ा रहे ब्लैक बोर्ड का वो डालना हो, तो ये सारी चीज़ें तुरंत तुरंत कर सकते हैं, और सारे ऑप्शन एकदम क्लियरली विजिबल हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको ढूंढना पड़ेगा कहीं मेनू में जाके, नहीं, सारे बहुत आसानी से इन्होंने शॉर्ट मेनूज में यहाँ पर ऊपर ऐड कर दिए हैं, और बहुत ही इंट्यूटिव और अच्छा है, और राइटिंग इसमें पता नहीं क्यों बहुत अच्छी बनती है बाकी सारे ऐप से। और बस मुझे ये इसलिए थर्ड नंबर पे रखना पड़ा क्योंकि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। स्क्रीनशॉट ऐसे जैसे कैमरा से फोटो हम लिए और इमेज यहाँ पे आ गया, इस टाइप से नहीं आ रहा है, इसकी एक फाइल बन के आ रही है। ये एक ये लिमिटेशन है। मेरा सबसे बड़ा चैलेंज लगा कि जैसे हम 2D में लिखने के
आदि हैं कि 2D में हम फिजिकल नोट ले रहे हैं, तो 2D में देखने का और 2D में पढ़ने के भी आदि हैं। तो जब अगर यहाँ पे स्क्रीनशॉट डालें और वो कुछ इस टाइप से हो जो कि फाइल बन जाए और उसको ओपन करना पड़े, तब थोड़ा मेरे लिए चैलेंज हो सकता है। हो सकता है कोई और इसको यूज करे तो उसके लिए ना चैलेंज हो, पर हाँ, मेरे लिए ये चैलेंज। पर मिनिमम फंक्शनलिटी के बावजूद भी काफी इफिशिएंट टूल है। जब आपको पहले स्टॉप करना पड़ेगा और फिर उसके बाद ये चलेगा। तो मिनिमम फंक्शनलिटी के साथ ये मतलब नो ब्रेनर टूल है, आपको फास्ट क्विक नोट लेना हो तो उसके लिए अच्छा। तो इसीलिए मैं इसको थर्ड नंबर पे रखी हूँ। तो सेकंड पे कौन सा है हमारा? सेकंड नंबर पे व्हाइट बोर्ड है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ही है। हाँ, ये रिसेंट ऐप है और माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें कुछ नई चीज ऐड की। आप वन नोट देखेंगे तो बहुत सालों से है और बहुत सालों से वैसा ही है, लेकिन ये व्हाइट बोर्ड जो है नया टूल है और इसमें ड्राइंग की फंक्शनलिटी, ड्राइंग वाले ऐप्स और नोट टेकिंग ऐप्स का हाइब्रिड इन्होंने बनाने की कोशिश की है और ये भी अच्छा टूल है। देखते हैं इसको। और ये मैं नोट इसमें बनाई हुई हूँ। मेरे ख्याल से हाँ, पेन मोड यहाँ पे पहले ऑफ करना चाहिए नहीं, अगर वो पेन मोड ऑफ करना है। पेन मोड है, यहाँ से भी हो सकते हैं। यस, स्क्रॉल करके साइड में आ जाते हैं। और ये नोट मैंने बनाया है तो ऐसा, इसकी भी पेज की क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है, एकदम बढ़िया से आप लिख सकते हैं। इसमें जो पेन का कलर चॉइस है, इसमें एक गैलेक्सी वाला है और एक रेनबो वाला है जो कि मुझे बहुत पसंद है। गैलेक्सी वाला मैं आपको दिखाती, पहले तो सेलेक्ट करती हाँ। और इसकी थोड़ा थिकनेस भी बढ़ा देते हैं ताकि और एकदम मैक्सिमम मैं करती। तो ये काफी सुंदर ब्यूटीफुल लुक आ रहा है। ये एक पेन जो है मुझे बहुत पसंद है, इसको यूज करते हुए। ऐसा कोई पेन उसमें नहीं था, हमारे वन नोट में नहीं था। हाँ, कहीं भी अभी तक ये वाला पेन नहीं है, इसमें गैलेक्सी वाला सिर्फ ड्राइंग टूल्स में ही मिलता है, ड्राइंग वाले कृता वगैरह में मिल जाता है। तो ये एक पेन था, इसके भी पेज की क्वालिटी जो है एकदम से वही वाली है जो वन नोट की है, एकदम मक्खन पे लिखने जैसा है। ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें फ्रिक्शन हो रहा है। बस मुझे इसमें टूल्स भी सामने ही है। यहाँ पे आप पेन सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे आप नोट, टेक्स्ट, इमेज सब ऐड कर सकते हैं। एक बार इमेज ऐड करके हम कर देखें। गैलरी में मैं जाऊंगी। हाँ, ये ऊपर वाली ब्लैक वाली इमेज ऐड करते हैं, चौथे नंबर के। हाँ, ये। हाँ, इसको अगर ऐड करें देखते हैं तो ये डायरेक्ट इमेज आ जाती है, लिंक बना के नहीं आती है इसमें। हाँ, हाँ। तो ये एक खास बात हुई इसकी। तो इसमें इमेज आ जाती है, साथ में इसमें इमोजीज भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, पर मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम लगी कि इसका जो बैकग्राउंड वाला पेज है बहुत ज्यादा जूम इन जूम आउट होता है। अगर मैं इससे बाहर निकल जाऊं तो खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये वैसे सब में व्हाइट बोर्ड जहाँ भी यूज करते हैं ना थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि ये सिंक होता रहता है करंट टाइम में अपने सर्वर से, तो थोड़ा इस तरीके से लैग करता है। और जब ये ओपन हो रहा है तो सबसे पहले 8% पे ओपन हो रहा है, मतलब मैं भले ही सेव इसको मेन पेज पे की थी करीब 60% पे, पर ये हो रहा है ओपन 8% पे। तो बार बार इसको ऐसे करना, और उसके बाद जब इसमें जब भी इमेज ऐड करे तो जूम इन, सपोज मैं ये जूम इन हो गई हूँ, मैंने 68 पे इसको सेट कर दिया है, और मैं फिर से एक इमेज इसमें डाल ली हिस्टोरिकल डिटर्मिनेशन का, तुरंत ये जूम आउट हो गया। आप देखे होंगे। अब इसको उठाएं, इसके हिसाब से करें तो बार बार जब जितनी बार आप करेंगे इसको कॉपी पेस्ट करेंगे उतनी बार ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा एफिशिएंसी इफेक्ट होती है। कुछ लोग को इसका बहुत एफिशिएंसी इफेक्ट नहीं होता होगा, पर मुझे
इफिशियंट नहीं लगा। बार बार अगर मुझे पेस्ट करना हो तो बार बार ये जूम इन जूम आउट हो उसको बार बार ऐसे करे तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे आप लिखते हैं तो आप एक बार फिजिकली भी देखना चाहते हैं कि आपने जो लिखा है उसका लुक क्या है। यस यस। पर अगर जब बाहर निकले तो 7% पे इतना छोटा सा हो जाए आप क्या लुक कर पाएंगे। ऊपर से यहाँ पे अगर पेन से लिख दिए हैं तो ये वाला इधर चला जा रहा है तो थोड़ा अभी मुझे ये हाथ में नहीं आया। प्लस जूम इन जूम आउट होने की वजह से लाइंस भी जो हैं वो पतली और मोटी होती रहती हैं। अच्छा, और इसमें क्या क्या चीज़ें हम इंसर्ट कर सकते हैं? इसमें इंसर्ट करने के सारे ऑप्शन हैं। टेक्स्ट डाल सकते हैं अपने मन से यहाँ पर टाइप करके, हेलो यहाँ पे हेलो का टेक्स्ट आ गया। इसको हम चाहे तो मूव कर सकते हैं कहीं भी। हाँ मूव कर सकते हैं। यहाँ मैं मूव करा दी हूँ। ठीक है, दिख उसके रहा हाँ दिख रहा है। तो उसके अलावा हम क्या ऐड कर सकते हैं? इसके अलावा शेप ऐड कर सकते हैं, जो भी शेप आप चाहिए चाहते। तो डबल एरो ऐड करनी हो तो डबल हेडेड एरो डबल हेडेड एरो ऐड होगी। ठीक है, और इसके अलावा इमोजी कैसे ऐड होता है? क्योंकि कुछ लोग को इमोजी ऐड करना होता है अपने नोट से। सादे इमोजी अगर करना हो यहाँ पे आ गया, इसको बड़ा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये सही है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा क्रिएटिव लोगों के लिए ज़्यादा है। इवन इसमें जो मैंने बताया ना कि ड्राइंग और नोट टेकिंग टूल का हाइब्रिड है, जूम इन जूम आउट वाले इशूज इसीलिए हैं क्योंकि इन्होंने उसका हाइब्रिड बनाने की कोशिश की है। तो अगर क्विक नोट टेकिंग के लिए वन नोट अच्छा था तो ये उनके लिए जो ड्राइंग करते हैं और वो नोट लेना चाहते हैं, या वो बहुत हैवी लेवल पे जो डूडल करके और छोटे छोटे स्टिकर वगैरह डाल के, जैसे कि यहाँ पे स्टिकर्स के ऑप्शन है नोट में अगर जाएं तो ये इस टाइप के स्टिकर्स आप यहाँ पे स्टिकी नोट्स ऐड कर सकते हैं। वाव, हिस्टोरी स्टिकर ऐड हो जाता है इस तरीके से। और क्या हम पेज का लेआउट चेंज कर सकते हैं इसमें? हाँ, तो इसमें डिफरेंट टेम्पलेट्स पहले से दिए हुए हैं, तो अगर मान लीजिए किसी को यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट ऐड करना हो, चेकर बॉक्स ऐड करना हो, तो डायरेक्ट ऐड हो गया। कैलेंडर या कुछ इस टाइप का डायरी का भी नोटेशन ऐड हो सकता है क्या? तो हम गए और हमने टेम्पलेट में गए और यहाँ से हमने मान लीजिए ब्रेन स्टॉर्मिंग में जाए, अगर क्या आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग में मूड बोर्ड ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बोर्ड ऐड हो गया। देखिए तो फिर ये जूम आउट हो गया। ठीक है, पर एटलीस्ट यहाँ पे सारे फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। हम मुझे लगता है कि और यंग लोग और ज़्यादा इसका क्रिएटिव यूज करते हैं। जो ज़्यादा हैंडी हैं टेक्नोलॉजी के लिए, ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं वो लोग कर लेंगे, पर मैं अभी उतना। अगर हम इसको शेयर करें तो देखें किन किन फॉर्मेट्स में शेयर। इसका सबसे बड़ा इशू यही तक मुझे लगा कि जब हम शेयर कर रहे थे तो पहले तो सिर्फ लिंक ही शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ जाके शेयर एक्सपोर्ट कर रहे थे तो फाइल सिर्फ इमेज में एक्सपोर्ट हो रही थी, पीडीएफ में नहीं हो रही थी। ओह, और ऑप्शंस नहीं थे तो जो कि मुझे, तो यानी कि वैसे ही ड्राइंग टूल की तरह से है तो इमेज में एक्सपोर्ट हो रही, पीडीएफ में नहीं हो रही। और इसमें क्या हम वॉइस मेमो ऐड कर सकते हैं? नहीं, वॉइस नहीं ऐड कर सकते। एक बार अगर हम प्लस ऑप्शन में देखें क्या है यहाँ पर, इसमें वॉइस का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। पर डायरेक्ट ये कनेक्ट हो सकते हैं कई लोग से। हाँ, उनको लाइव प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ये ऑप्शन है। यस यस। तो ये वाला इसमें मतलब मेरे लिए नहीं है, मैं कहूँ तो। पर फंक्शनलिटी ज्यादा, इसलिए इसके हमने सेकंड पे रखा है क्योंकि कई लोग जरूर इसका और ज्यादा अच्छा यूज कर पाएंगे। अगर एक बार हम पेज बैकग्राउंड पेज को हम चेंज करके देखें कैसे चेंज होता है। यहाँ पे गए फॉर्मेट बैकग्राउंड, मुझे डॉट चाहिए। हाँ, और डॉट चाहिए और वाइट पेज चाहिए। वाइट पेज चाहिए तो कलर, वाइट पेज और डॉटेड। और डॉटेड, हाँ, तो इस तरीके से डॉटेड एंड वाइट पेज बन गया हमारा। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा आर्टिस्टिक लुक है, मुझे इस टाइप का लुक काफ़ी अच्छा लगता है। और जो लिखा है
रेनबो कलर में या गैलेक्सी कलर में काफी अच्छा है। और ये गैलेक्सी वाला कलर बहुत अच्छे लग रहे हैं। यस, तो ये आपने इस ऐप की खास बात और कमियां दोनों देख ली। अब हम क्या बढ़ें अपने नंबर वन ऐप की ओर। नंबर वन ऐप कौन सा है? नंबर वन वही फी राइट है। फी राइट, हमारा फी राइट ऐप। हम फी राइट को मैंने काफी दिन से यूज किया, करीब 20 डेज तो हुई इस टैब में। इसके पहले हमने फी राइट को करीब करीब 1.5 साल अलग से भी यूज किया है। तो इस पे हमारा एक्सपीरियंस है, प्लस इसकी फंक्शनैलिटी इतनी वर्सटाइल है, और इसके फ्री वर्जन में भी ना इतने टाइप के टूल्स एंड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा वर्सटाइल है। और एट दिस पॉइंट मतलब जो बम्बू नोट्स वगैरह जो पेड ऐप हैं उनके बराबर या कई मामलों में उनसे ज़्यादा भी है फ्री वर्जन इसका। तो ये जो टूल है वो अल्टीमेट अभी तक के लिए नोट टेकिंग के लिए। और इसमें वो ना फिजिकल एलिमेंट जो है वो पता चलता है, मतलब आप नोट बनाए तो आप देख सकते हैं, जो दिखेगा वही आपका नोट होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं और क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड में लिंक खुलेगा तो फिर आपको इमेज में जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो आपको इमेज ऐड करके देख लेते हैं। अगर मैं इसमें इमेज इंसर्ट करूं, सीधे मैं गैलरी में गई और मेरे स्क्रीनशॉट में से इसको डायरेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ये सेलेक्ट हो गया, इसको ड्रैग करके कहीं भी पेज पे ले जा सकते हैं और इसको बड़ा कर सकते हैं एकदम। यस, अच्छे से काम करेगा। और इसमें क्या वॉइस ऐड हो सकती है? नहीं, इसमें वॉइस नहीं ऐड, वॉइस का भी इंसर्ट में देखें क्या 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 ऑप्शन आता है। तो इसमें गैलरी है, फाइल है, HTTP GIF, और मोर में क्या आता है देखते हैं। मोर में आ जाता है ये सारी चीज़ें, टू डू, बुकमार्क, बुलेट नंबरिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए फाइल भी अगर चाहें तो ऑडियो फाइल अलग से रिकॉर्ड करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली इसमें वॉइस नोट लेने का ऑप्शन नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्ट नोट टेकिंग जब हम करते हैं या किसी कॉपी किताब से नोट बनाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वॉइस नोट की कोई बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पड़ती है। और इसमें जो सारे राइटिंग टूल्स हैं वो मोर देन सफिशियंट हैं, और डिफरेंट टाइप के पेन, ब्रश, फ्री हैंड, हाइलाइटर, हर टाइप के यहाँ पर मिल जाते हैं। हाँ, और जो भी फिजिकली पॉसिबल है मैक्सिमम वो यहाँ पे देने का इन्होंने कोशिश किया। हाँ, और मुझे ये अच्छा लगता है कि हर एक जो भी राइटिंग टूल है उसकी थिकनेस यानी कि कितना मोटा लिखेगा, और साथ में ट्रांसपेरेंसी दोनों ही दी गई है इसमें। और इसमें जूम इन जूम आउट वाला इशू नहीं है। हाँ, पाम रिजेक्शन में काफी अच्छा काम करता है इसमें। इसमें खुद का भी अपना पाम रिजेक्शन है, और सिस्टम का तो अपना पाम रिजेक्शन है, इसका खुद का भी पाम रिजेक्शन है। परफेक्ट, तो आप देख सकते हैं कि क्यों ये अच्छा है। जब से मैं इसको यूज कर रही हूँ इसमें मुझे कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, और ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं हो सकती, आप हो सके यूज करें तो प्रॉब्लम फील करें। लेकिन एज ए नोट बनाना, जैसे हम कॉपी में नोट को अगर यहाँ रिप्लिकेट करना चाहते हैं टैबलेट के अंदर, तो ये परफेक्ट टूल है उसके लिए। अगर हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज होगा ये देख लेते हैं। इसका बैकग्राउंड भी चेंज करना बहुत आसान है, यहाँ पे मोर में गए और यहाँ पे चले गए, पेज ऑप्शन आ गए, पेज ऑप्शन में यहाँ पे प्लेन का ऑप्शन है, देखिए ये प्लेन हो गया, ये बेस लाइन का ऑप्शन है, ये बेस लाइन हो गया, ये ग्रिड का ऑप्शन है, ये ग्रिड हो गया, ये मीन लाइन का ऑप्शन है, मीन हो गया, डॉट का ऑप्शन है, डॉट हो गया, इसके डॉट भी थोड़े मोटे मोटे हैं, और ये वाला ग्रिड हो गया बिग वाला, और इसमें टियान वाला, और फिर मी का अपना कॉम्प्लिकेटेड। और अब अगर इसको हम ये कलर करें तो यही कलर है। अच्छा, उस लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लाइन का कलर प्लेन है अभी लाइन लगा लें, उसका कलर देखें, बेस लाइन का कलर रेडिश हो गया है। अब हम इमेज यानी बैकग्राउंड डालना चाहें यहाँ पर इस पेज की बैकग्राउंड, तो ये लेडी वाला डालें, ये कार्टून जो है, तो ये हो गया है। इसको अगर हम जूम आउट करें यहाँ पे ये बन गया, तो इस तरीके से ये पेज जो है वो डिजाइनर पेज बन गया है। अगर और कोई पेज ऐड करना चाहें तो देखें क्या होता है।
और जब आप पेज के नीचे आ जाएंगे तो खुद ब खुद इसको पता चल जाएगा कि हाँ अब आपको हाँ। और साथ में ये हमने अगर ये सेट कर रखा है कि जो हम पेज चाहते हैं A4 साइज का हो तो ऑटोमेटिकली वो दिखा दे रहा है कि कहाँ पर A4 साइज हो रहा है। यहाँ पे भी आप जा सकते हैं जहाँ तीन बिंदी बना हुआ है तो यहाँ टेम्पलेट में जाएंगे और यहाँ पे भी ऑप्शन है। यहाँ पे जो डायरी वाले ऑप्शन होते हैं, टू डू वाले डायरी होते हैं, डॉटेड वाले डायरी होते हैं, ये खाने वाले डायरी होते हैं। अगर हम डेली कीपर ऐड करें तो देखिए क्या होगा, डेली कीपर 2। हाँ तो इस तरीके से ये ऐड हो गया है तो यहाँ पे डायरेक्टली हम फिल कर सकते हैं। तो इसमें ना प्रॉब्लम नहीं लगेगा, ऐसा लगता है कि आप सामान को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है कि सामान आपको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, एक बार कोई और भी हम बैकग्राउंड अगर ऐड करें तो हमें कैसा मिलेगा देखते हैं। एक बार बैकग्राउंड में जाएं पेज के, कोई सा भी चुन ले क्या है। इस वाले में जो पेज का बैकग्राउंड जैसे कार्टून है उसके अलावा कोई और लगाएं, क्योंकि हाँ ये आ गए, मेरी इस पे क्लिक कर दिए, मोर पे गए, फिर ये पेज ऑप्शंस आ गए। तो यहाँ से इमेज ऐड कर सकते थे और वहाँ से हम प्लेन कलर चाहे थे तो प्लेन कलर भी फूल वाला ले ले रहा है। हाँ ये बदल गया, ये फूल हो गया। तो आप अगर देखें तो यहाँ पे सारे फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स हैं। इतना हमने बना लिया है, एक बार इस पेज को हम एक्सपोर्ट करते हैं PDF में और देखते हैं कैसा लगता है। ठीक है, यहाँ पे गए शेयर टू में और फाइल में चले गए, PDF में चले जाएंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। और मैं यहाँ आ जाऊँगी, यहाँ पे सेव कर रही हूँ, इसी नाम से सेव कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे गए, सोशियोलॉजी वाले फोल्डर में एक नहीं, इंटरनल स्टोरेज वहाँ पे सोशियोलॉजी नीचे थोड़ा सा यहाँ पे होगा हमारा। ओके ना, ओके ये रहा। तो इस तरीके से आप देखें तो PDF में आप फिर इसको ले जाके कहीं भी खोल सकते हैं, कंप्यूटर में या कहीं भी, या प्रिंट कर सकते हैं ऐसे ही। तो देखिए इस तरीके से स्टाइलिश पेज जो है वो बन गया है, कितना सुंदर लग रहा है। तो इसमें इस टाइप के ऑप्शंस है और काफ़ी हैंडी फील होता है, ऐसा नहीं होता है कि ऐसा लगे कि हैंडी नहीं है। तो अभी तक ये मेरा फेवरेट है। तो आपको top 3 ऐप दिखा दें, इसके अलावा हमने और भी ऐप ट्राई किए लेकिन उनमें कुछ कुछ ऐसी मेजर हमें कमियां लगी, या उनका अधिकतर ऑप्शन जो था ना काम लायक ऑप्शन वो पेड था, इसलिए हमने उनको लिस्ट से ही हटा दिया। हम शुरुआत में तो हमने सोचा था top 10 बनाएंगे लेकिन फिर हम top 5 बनाने गए लेकिन दो ऐप और हमने इलिमिनेट कर दिया। लेकिन अभी के लिए जो है सिर्फ top 3 फ्री नोट टेकिंग ऐप ही हैं और ये तीनों अच्छे हैं। आपको हमने कमियां भी दिखा दी और खूबियां भी दिखा दी। वन नोट 3rd पे, वाइट बोर्ड 2nd पे और फ्री राइट 1 पे है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप भी ट्राई कीजिए और हमें बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।